श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। कर रहे हैं पाठ का सार। इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं, आप सभी को पता होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, श्रम विभाजन वो है कि हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य होते हैं, यानी उनका अलग अलग बिजनेस होता है। कोई किसी से संबंधित काम करता है, कोई किसी से संबंधित काम करता है। जैसे कोई लोहे का काम करता है तो उसे लोहार बना दिया, सोने का काम करता है तो उसे सोनार बना दिया, दर्जी का काम करता है तो उसे टेलर बना दिया। ये होता है श्रम विभाजन। लेकिन इस बात में एक आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। क्यों करती है? अस्वाभाविक क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जो है वो इसमें पाई जाती है। भारतीय जाति व्यवस्था में जो वर्ग बने हुए हैं, ऊंचे वर्ग, नीचे वर्ग, ये सब जो चीज़ें हैं, ये भारत में अस्वाभाविक विभाजन है। यानी जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक नहीं है। श्रम विभाजन किया जाना आवश्यक है, लेकिन ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब कोई ऊंचा या नीचा करार दिया जाता है, वह स्वाभाविक नहीं है, वह गलत है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लें कि भाई काम के आधार पर जातियां बनी होंगी पुराने समय में, क्योंकि जब मनुष्य ने जन्म लिया तब कोई जाति नहीं थी, सभी मनुष्य एक बराबर थे। बाद में पहचान बनाने के लिए, जैसे जो काम करते थे उनको उन नामों से पहचान बनाने के लिए उनका श्रम विभाजन कर दिया गया। खेती करने वालों को किसान बोल दिया, व्यापार करने वालों को बनिया बोल दिया। तो उसी तरह से जो है भेदभाव जो है, ऊंच नीच का जो भेदभाव इस चीज़ में प्रवेश कर गया, वो सही नहीं है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान भी लें तो भी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने के योग्य बनाए। यानी जिस व्यक्ति की जो व्यापार चुनने में या जो बिजनेस चुनने में उसकी रुचि है, उसके योग्य बने। इसके विपरीत जाति प्रथा मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर करती है। हमारी जो वर्तमान प्रथा है वो क्या कहती है कि जो माता पिता कर रहे हैं वही बच्चे भी करें। यानी अगर कोई लोहे का काम कर रहा है तो वो सोने का काम नहीं कर सकता, कोई सोने का काम कर रहा है तो वो लोहार नहीं बन सकता। तो ये एक मजबूरी है, योग्यता या रुचि इसमें काम नहीं करती है। व्यक्ति की उसकी रुचि क्या है वो यहाँ पर काम नहीं करती है। समाज हमारा क्या कहता है कि जो माता पिता करते चले आए हैं पीढ़ियों से, वही काम आपको करना शोभा देता है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है। दोषी क्या है कि ये चाहती है कि मनुष्य जो है एक ही काम करते रहें जो उनकी पीढ़ियां करती चली आ रही हैं। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखे मरने लगते हैं। अब देखिए इसका नुकसान क्या है, जो पीढ़ियों से हमारा व्यापार बिजनेस चला आ रहा है, अगर हम वही करने लग जाएं और उसमें थोड़ा सा भी अगर समय में परिवर्तन आ गया या टेक्निक बदल गई या कोई उद्योग धंधा फेल हो गया, तो फिर लोग भूखे क्यों मरने लग जाते हैं? क्योंकि उन्हें और कोई काम करने की अलाउड ही नहीं है, उनमें रुचि ही नहीं आई, क्योंकि उन्हें इस योग्य नहीं माना गया कि वो अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुने। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। देखिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण यहाँ सामने आ रहा है,
छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी जो मेन समस्या है कि पीढ़ियों से जो काम करते चले आ रहे हैं, अगर वह काम फेल हो गया तो वह कोई और काम करने योग्य भी नहीं बचता है मनुष्य। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, इसका आधार व्यक्तिगत रुचि ना होकर के पूर्व लेख होता है, यानी आपका पहले ही लेख लिख दिया गया कि आपको ये काम करना है। आपके उत्पन्न होने से पहले आपकी पीढ़ियों ने आपके लिए आगे के लिए एक परंपरा बना दी कि आप ये काम करेंगे, चाहे उसमें आपकी रुचि हो या ना हो। वर्ग विभाजन कर दिया गया कि कुछ लोग खेती करेंगे, कुछ लोग शॉप करेंगे, कुछ लोग अन्य काम करेंगे, वाणिज्य व्यापार करेंगे। परिणाम स्वरूप लोग विवशता के साथ अरुचिपूर्वक काम करते हैं। देखिए, इसका बहुत नुकसान है। यदि आप किसी काम को अरुचि से करते हैं तो वह काम आधा अधूरा होता है, और वही काम यदि आपका उसमें रुचि है तो वह काम बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार होते हैं। जो लोग रुचि से काम नहीं कर रहे वो टालते रहते हैं उस काम को, और उनका दिल दिमाग उसमें नहीं लग पाता है। अतः जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। यहाँ पर भी बाबा साहेब ने ये बताया कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कि हमारी प्रेरणा रुचि यानी हम किस काम को करना चाहते हैं उसे दबाने का भी यही काम करती है। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी सब भाईचारा रखें। भाईचारे की किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में तुरंत फैल जाए, यानी जो सभी के लिए बात अच्छी है वो बहुत जल्दी फैले। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में समभाग होना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति का हर अच्छे काम में बराबरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात सामने आ रही है। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, यानी लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र या पद्धति, जिसमें एक दूसरे व्यक्ति की मदद है, एक दूसरे की सुरक्षा है, सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी सुरक्षा है। जब एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति जब एक दूसरे की सुविधा का ध्यान रखने लग जाएगा, जिस तरह से जापान का आप कभी अध्ययन करेंगे, वो एक मेरा दूसरा टॉपिक होगा। जापान के लोग क्या है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख करके कहीं भी जब वो जाते हैं या समाज में रहते हैं तो वो ये ध्यान रखते हैं कि उनकी वजह से किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो। लेकिन भारतीय समाज में सिर्फ अपनी सुविधा का ध्यान रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अन्य लोगों की सुविधा हो या उन्हें असुविधा हो, इसका उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यही बात हमें बदलनी है, यही बात हमें बदलनी है। क्यों बदलनी है, हमें क्यों बदलनी है, क्योंकि हमारे देश को विकसित होना है, जापान के मुकाबले में आगे जाकर के खड़ा होना है। यही बात बाबा साहेब ने बहुत वर्षों पहले कह दी थी, जिसे हमारी समझ में हमें आत्मसात करना है। आत्मसात अगर हम कर लेंगे कि सभी को दूसरों की रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, तो कोई भी असुरक्षित नहीं रहेगा। सभी को समान साधन मिले, समान अवसर मिले, भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र वास्तव में कोई शासन पद्धति ही नहीं है, बल्कि सामूहिक दिनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। आवागमन, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई भी नहीं करता, यानी सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है,
आवागमन का अधिकार है। अपने शरीर की सुरक्षा करें, इसका भी उन्हें अधिकार है। संपत्ति रखने का, जीविका उपार्जन के औजार रखने का सब अधिकार है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए, अधिकार के लिए लोग तैयार नहीं होते। इसके लिए उन्हें अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है, यानी हम अपना व्यवसाय खुद चुनें। इस स्वतंत्रता के अभाव में ही मनुष्य दासता में जकड़ा जाता है, यानी दास बन जाता है। वो जो पुरानी पीढ़ियां करती चली आ रही हैं, आप उसके गुलाम हो, आपको वही करना पड़ेगा। अब आपके मन में भले ही डॉक्टर बनने की है, तो आपको नहीं, सुनार बनना पड़ेगा, समथिंग सो भी है। दासता केवल कानूनी ही नहीं होती, वहाँ दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्य का जहाँ पालन होता है, वो भी दासता है। आप जो काम करना नहीं चाहते, वो आपको करना पड़ता है, तो वो क्या है? दासता है। दासता यानी गुलामी है। जाति प्रथा में भी अपनी इच्छा के विरुद्ध आपको पेशे अपनाने पड़ते हैं। समता क्या है? देखिए, समता को अच्छे से समझने की बात जो है इस पाठ में आ रही है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द हमेशा विवादास्पद रहा है, यानी इस पर काफ़ी विवाद चलते चले आए हैं। समता के आलोचकों का कहना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं। यह तथ्य होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है। देखिए, मनुष्य की क्षमता जो है तीन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी है सामाजिक उत्तराधिकार, और तीसरी है मनुष्य के अपने प्रयत्न। इसमें शारीरिक वंश परंपरा ये है कि प्रश्न है कि इन तीनों दृष्टियों में मनुष्य समान नहीं होते, यानी हर इंसान के शरीर में अलग अलग क्षमता पाई जाती है। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार में भी अलग अलग उत्तराधिकार पाए जाते हैं, और मनुष्य के अपने प्रयत्न भी अलग होते हैं। परंतु तब भी क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है, असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु उसमें भी सबको अपनी क्षमता विकसित करने के पूरे अवसर देने चाहिए। ये बाबा साहेब कह रहे हैं कि सबको समान अवसर मिले, भले ही उनका शरीर वंश परंपरा से अलग है, या उनका समाज अलग है, या मनुष्य अलग अलग प्रयत्न करता है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन इसके अलावा उन सबको बराबर अधिकार मिले। जितने भी समाज में लोग हैं, उन्हें समान अधिकार मिले, समता का ये मतलब है। वंश और सामाजिक उत्तराधिकार पर भेद अनावश्यक है। लेखक मानता है कि वंश परंपरा है और सामाजिक प्रतिष्ठा है, इसके आधार पर कोई असमानता नहीं रखनी चाहिए, यानी किसने किस कुल में जन्म लिया है, उसे कोई विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जो सुविधा संपन्न लोग हैं, वो और सुविधा संपन्न होते चले जाएंगे। अमीर और गरीब की खाई जो है बढ़ती चली जाएगी, असमानता की खाई जो है बढ़ती चली जाएगी, और ये एक अच्छे समाज के लिए बहुत बुरी बात है। जब असमानता फैलती जाएगी, तो गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और गरीब अमीर होता जाएगा, गरीब भूख से मरेगा और अमीर अधिक खाने से मरेगा। तो ये एक सभ्य समाज की अच्छी निशानी नहीं होती है। वास्तव में प्रयास मनुष्य के वश में है, यानी हम प्रयास कर सकते हैं, ये हमारे वश में है, लेकिन किस वंश में जन्म लेंगे या हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होगी, ये किसी के भी वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के आधार पर असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। असमानता जो है वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। दूसरे शब्दों में, सभी सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए समाज में समान अवसरों के समान साथ ही समान व्यवहार होना, सभी को समान अवसर मिले, यानी सदस्यों में जिनमें अधिकतम उपयोगिता है या जो अधिक उपयोगी है, अधिक सक्षम है, उसे समान अवसर मिले, ना कि उसका वंश कौन सा है या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, इसके आधार पर उसे अवसर दिया जाए,
यही समता है और इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह समाज के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि अनावश्यक है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस तरह के जो विचार हैं, समानता के विचार प्रकट अपने कर रहे हैं इस चैप्टर में। अब बात आती है कि एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि नेताओं को लोगों से बड़े संपर्क होते हैं, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का, उनकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का कोई अवसर नहीं होता। अतः उनके लिए यही व्यवहार सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको दो वर्गों और श्रेणियों में विभाजित न किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार करें। क्योंकि अभी नेताओं के लिए क्या कह रहे हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि हर इंसान की ज़रूरत क्या है, उसकी क्षमता क्या है। तो एक ऐसा समान नियम बना दिया जाए जो हर व्यक्ति के लिए बराबर का नियम लागू किया जाए। राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण उसके लिए संभव नहीं है। अतः यद्यपि क्षमता एक काल्पनिक बिंदु है, काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र मार्ग है और उपाय है। समानता का जो मार्ग है वही अच्छा है, सभ्य समाज के लिए अच्छा है, तभी यह लोकतंत्र कहा जाएगा। यदि वंश प्रतिष्ठा के आधार पर हम किसी को राज सौंपते हैं तो ये जो है लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा, ये राजतंत्र कहा जाएगा। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, वंश चाहे उसका कोई भी हो, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न से निम्नतम हो तो भी उसे राजा बनने का अधिकार है। यानी राजा नहीं, प्रधानमंत्री, जो लोगों के लिए काम करता है, यानी लोकतंत्र के लिए काम करता है। अभी वही दोनों में फ़र्क बताने की कोशिश अंबेडकर जी ने की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र वही है जहाँ पर लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस पाठ का ये सारांश है। यदि आपको पाठ का सारांश पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बनता है।